दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों लव अफेयर या रिलेशनशिप में धोखा किसी को बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वे लड़के हों चाहे लड़कियां, स्त्रियां हों चाहे पुरुष। दोस्तों धोखा कौन अधिक देता है, लड़के और पुरुष या लड़कियां और स्त्रियां, इसे लेकर एक सर्वे हुआ। इतना ही नहीं, सर्वे में यह भी सामने आया कि शादी के बाद स्त्रियां किस उम्र में सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। नंबर 1, दोस्तों एक सर्वे के नतीजे में बताया गया कि जिन लड़कियों की शादी 27 से 29 साल की उम्र में होती है, उनके द्वारा अपने पार्टनर को 37 से 40 वर्ष की उम्र पर धोखा देने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और यह सर्वे डेटिंग साइट विक्टोरिया मिलान द्वारा किया गया था, जिसमें बताया गया कि अक्सर लड़कियां शादी के 7 से 10 वर्ष बाद अपने पार्टनर को सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। सेकंड नंबर, दोस्तों लड़कियों और स्त्रियों द्वारा 40 वर्ष की उम्र पर अपने पार्टनर को सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है, क्योंकि 40 वर्ष की उम्र पर स्वाभाविक रूप से महिलाएं काफी रोमांटिक हो जाती हैं और उनके विचारों में भी काफी खुलापन आ जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें नएपन की इच्छा होने लगती है, लेकिन उनके पार्टनर के साथ रिश्ते में नीरसता आ चुकी होती है और उनके पार्टनर अपनी अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण अपनी पत्नी या पार्टनर को टाइम ही नहीं दे पाते, जिसके चलते महिलाएं अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। थर्ड नंबर, दोस्तों एक डेटिंग साइट के सर्वे में बताया गया कि शादी के 7 से 10 वर्ष के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक आकर्षण और जुनून कम हो जाता है, जिससे धोखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो धोखा पुरुषों द्वारा भी दिया जाता है और स्त्रियों द्वारा भी दिया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।